बीजेपी ने बुध को यौम इलहाक जम्मू में शानदार तरीके से मनाया। इलहाक का दिन जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की तरफ से 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उस वक्त के डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलहाक पर दस्तखत करने की निशानदेही करता है। जम्मू कश्मीर का यौम इलहाक बुध को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ये उसी दिन था जब जम्मू कश्मीर के उस वक्त के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इलहाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। ये दिन गुज़िश्ता साल से तातर के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने यौम इलहाक भरपूर तरीके से मनाया। पार्टी सदर रविंद्र रैना और दीगर सीनियर लीडरों ने जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क में तकरीबात की क़यादत की और महाराजा हरि सिंह को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अजीम महाराजा को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कौमी परचम भी लहराया गया। किस तरीके से हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने पूरे प्रदेश को संभाल कर रखा, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने किस तरीके से भारत के साथ विलय किया, पाकिस्तान ने कैसे कब्जा करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ पर कश्मीर को अपने हिस्से में ले लें, और कबालियों के द्वारा कैसे यहाँ कब्जा करने की कोशिश की गई, तो वो अगर किसी ने बचाया तो वो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने विलय कर भारत के साथ उनके साथ जुड़ने का काम किया, उनके संविधान को अपनाने का काम किया। आज हम सभी जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बड़ा उत्सव का दिन है, बड़ा हर्षोल्लास का दिन है कि विलय दिवस हम लोग मना रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ चुका है धारा 370 हटने के बाद। एक जो कांटा था धारा 370 था वो ख़त्म होने के बाद, देखिए जब हमें लगा कि भाई भारत वर्ष के साथ हमारा विलय होना, पहले तो संपूर्ण विलय था, 1947 में ही हमारा विलय हो चुका था, मगर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम ताकतें, जो पाकिस्तान की ताकतें थी, वो हमारे जम्मू कश्मीर को छीनने की कोशिश कर रही थी। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने प्रॉपर वे से पार्लियामेंट में घोषणा करके, पार्लियामेंट में पूरे लीगल तरीके से उसको ख़त्म किया और हमें बता दिया कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। आज हम लोग यहाँ पर हरि सिंह पार्क में महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के आगे विलय दिवस को मना रहे हैं और पूरा जम्मू कश्मीर खुश है। और आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के सब लोगों को, जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी खुशी दी है जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो भी दी गई है, आज विलय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। महाराजा हरि सिंह जी हमारे सिर का ताज हैं, वो एक देवता रूप थे जिन्होंने एकता का संदेश दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकता का संदेश देते हुए महाराजा हरि सिंह जी ने पूरे जम्मू कश्मीर को पर राज किया था। और मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ महाराजा हरि सिंह सदा अमर रहें, वो हमारे दिल में रहेगा, हमेशा रहेगा। और मैं बीजेपी सरकार को बहुत बड़ी बड़ी बधाई देना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी को बहुत बड़ा मान सम्मान जो है वो दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।